नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मोदी सरकार को नहीं पता कहां है दाऊद इब्राहिम। मोदी सरकार ने संसद में एक सवाल के जवाब में कहा कि उसे नहीं पता कि अंडरवर्ल्ड डॉन एवं मुंबई में 1993 में हुए बम धमाकों का मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम कहां है। लोकसभा में नित्यानंद राय के प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री हरिभाई पर्थी भाई चौधरी ने कहा कि अभी तक उसका पता नहीं लग सका है। दाऊद का पता लगने के बाद उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दरअसल राय ने सरकार से पूछा था कि देश में विभिन्न आतंकी मामलों में वांछित दाऊद इब्राहिम और अन्य आतंकियों के प्रत्यर्पण की स्थिति क्या है। नरेंद्र मोदी चीनी सोशल मीडिया पर भी हिट। चीन के आधिकारिक मीडिया ने लोकप्रिय चीनी सोशल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वेइबो पर अकाउंट खोलने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि अगले सप्ताह की यात्रा से पहले ही मोदी हिट हो गए हैं। सरकारी अखबार चाइना डेली में शीर्षक है कि दौरे के पहले माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर मोदी हुए हिट। एक और अखबार ग्लोबल टाइम्स की हेडलाइंस में कहा गया है कि मोदी का चीन के दौरे के पहले वेइबो पर आगाज। मोदी की 14 मई से चीन की 3 दिवसीय यात्रा शुरू हो रही है। उन्होंने चीनी में अपना पहला पोस्ट किया है, हेलो चाइना, वेइबो के जरिए चीनी दोस्तों के संवाद पर उत्साहित हूँ। एक ब्लॉगर ने उन्हें हैंडसम बताकर उनकी सराहना की, जबकि दूसरे ने उनका वेइबो में आगमन पर स्वागत किया। उनकी पोस्ट को फौरन ही 4,700 से ज्यादा बार फॉरवर्ड किया गया और 3 घंटे के भीतर ही इस पर 7,800 से ज्यादा कमेंट आ गए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर विवाद, पटेल के वंशज नाराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए देश के गांव-गांव से लोहा मांगा था, अब उस पर ही विवाद शुरू हो गया है। दरअसल सरदार पटेल के वंशज प्रतिमा से खुश नहीं है। उनका कहना है कि इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा तेज नजर नहीं आता। पटेल के संबंधियों को इस बात से भी नाराजी है कि इस बारे में उनके सुझावों को नहीं माना गया। उल्लेखनीय है कि गत दिसंबर में आनंद के कर्मसार में सरदार पटेल की 18 फुट की प्रतिमा का प्रदर्शन किया गया था। पदयात्रा को लेकर शिवसेना का राहुल गांधी पर हमला। सूखा प्रभावित विदर्भ जिले में राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर शिवसेना ने उन पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें किसानों के आंसू तब पहुंचने चाहिए थे जब कांग्रेस सत्ता में थी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी भूल गए हैं कि कुछ ही समय पहले तक महाराष्ट्र में और केंद्र में उनकी ही सरकार थी। शिवसेना ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी उनके महाराष्ट्र दिवस संदेश को लेकर निशाना साधा है और कहा कि किसानों की आत्महत्या पर सिर्फ शर्मिंदा होने भर से समस्या नहीं सुलझने वाली। व्यापम घोटाले में राज्यपाल राम नरेश यादव को राहत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्यपाल राम नरेश यादव पर दर्ज FIR खारिज कर उन्हें बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर व न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने अपने आदेश में कहा है कि संविधान में राष्ट्रपति व राज्यपाल को विशेष अधिकार प्राप्त हैं और उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। यादव पर आरोप था कि उन्होंने इस परीक्षा में 5 अभ्यर्थियों के नामों की सिफारिश की थी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।